अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, लेसन 15 डायरेक्शंस। बेटा ये आज हम लेसन 15 डायरेक्शंस की रीडिंग करेंगे, ठीक है। हेयर आर सम क्वेश्चंस, यहाँ पर कुछ सवालात हैं यू हेयर ऑल द टाइम, जो कि आप तकरीबन हर टाइम में सुनते रहते हो। वेयर डिड यू पुट द बुक, आपने बुक कहाँ रखी। Where do you live? आप कहाँ पर रहते हो जब आप किसी के पास मिलने जाते हो, या कहाँ आप कहीं बाहर होते हो घर से तो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो। How do I get to the station from here? अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, कोई आपसे पूछता है कि बेटा ये यहाँ पे आप स्टेशन किस तरफ है और किधर को हमें जाना है, तो ये भी लोग पूछते हैं। Is the shop in front of your house or behind it? क्या जो शॉप है वो आपके घर के सामने है या घर के पीछे है, ये भी कुछ पूछ लेते हैं। अगर आपको कहीं और जगह पर जाते हो, बाज़ार में जाते हो, आपको कोई शॉप नहीं मिल रही तो आप पूछते हो कि वो शॉप कहाँ पर है, आगे है या पीछे है। टू आंसर दीज क्वेश्चंस यू नीड टू नो सर्टेन वर्ड्स, आपको इन आंसर्स को जानने के लिए, इन क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए कुछ वर्ड्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने इन क्वेश्चंस का आंसर किन वर्ड्स में देना है। वी हैव टू यूज़ द करेक्ट वर्ड टू गिव डायरेक्शंस, हम डायरेक्शंस को बताने के लिए करेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, अगर हमने कबर्ड की बात करते हैं तो हम कहते हैं, अगर कोई हमने चीज़ रखी है यहाँ पर तो हम कहेंगे कि वो चीज़ जो है वो टॉप पर है। अगर कोई चीज़ जो है हमने यहाँ रखी है तो कहेंगे दिस थिंग इज़ इन द बॉटम, कि ये चीज़ यहाँ पर बॉटम में है, यानी कि नीचे रखी हुई है, ठीक है। अब ये देखें, ये बर्ड जो है वो स्काई में है, हम ये कहेंगे अबव द अर्थ, कि हमारा जो जिसमें हम, यानी कि अबव द अर्थ जो है ये बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। और ये देखें, आप अर्थ की बात कर रहे हैं तो ये अर्थ के अबव है, ऊपर है, जबकि फ़िश जो है आपको पानी में नज़र आ रही है वो बिलो है, यानी कि अर्थ के अंदर पानी में, यानी कि ज़मीन के अंदर नीचे फ़िश है, इसको हम कहेंगे बिलो वाटर, ठीक है। अब ये देखें, अगर हम किसी को बताना है कि ट्री कहाँ पर है, यहाँ उसके पीछे एक ट्री है और एक सामने है, तो हम कहेंगे बिहाइंड द ट्री, यानी कि घर के पीछे वाला जो ट्री है, जो घर के आगे ट्री होगा हम उसे कहेंगे इन फ्रंट ऑफ, कि घर के सामने वाला ट्री। ये बेटा डायरेक्शंस हैं जिनको हमने, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो किस तरह एक्सप्लेन करना है, हम उन्हें इस तरह बता के एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कौन सा है, हमारा राइट हैंड, ये देखें, ये वाला राइट हैंड होता है और ये लेफ़्ट हैंड होता है। तो ये तो थी बेटा कुछ डायरेक्शंस जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। ये आपने अपनी रीडिंग को यहाँ से लर्न करना है और इसको बुक रीडिंग करनी है और अपने पेरेंट्स को सुनानी है। अल्लाह हाफिज़।